हेलो एवरीवन, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जो लोग नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोग को ऐसे ही वर्ल्ड कप के बारे में ताज़ा ताज़ा खबर देते रहेंगे। अभी वार्म अप मैच चल रहा है, तो उसका हाईलाइट आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा, जिसका यह है कि अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका वार्म अप मैच है। मुन्ना गुरबाज ने जरा तूफानी शतक, अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। और आगे बता दें, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच मंगलवार को 3 अक्टूबर को गुवाहाटी के वसवारा स्टेडियम में वर्ल्ड कप से पहले आखिरी वार्म अप मैच खेला गया था, जिसे अफगानिस्तान ने अपने स्टार बल्लेबाज गुरबाज 119 रहमत 97 की शानदार पारी के दम पर श्रीलंका को 6 विकेट से हरा कर जीत हासिल कर ली। कुशल मेंडिस के शतक पर भारी पड़ा गुरबाज का शतक। इस मैच में श्रीलंका के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस ने 87 गेंदों पर 19 चौके और 9 छक्के लगाकर विस्फोटक अंदाज में 158 रन बनाए थे। लेकिन मेंडिस के अलावा श्रीलंका का दूसरा कोई भी बल्लेबाज मैदान पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका और उसकी पूरी टीम महज 294 रनों पर सिमट गई। इसके बाद गुरबाज ने भी अपनी टीम के लिए 92 गेंदों में 8 चौके और 9 छक्के लगाकर 119 रन की पारी खेली। इसके दम पर अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया। इस तरह मेंडिस का शतक और गुरबाज का शतक भारी रहा। मेंडिस की मेहनत पर पूरी तरह पानी फिर गया। अफगानिस्तान टीम के जीत के हीरो रहे अफगानिस्तान मोहम्मद नबी ने इस वार्म अप मैच में अपनी कमाल की गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका को बड़े बड़े झटके दिए। उन्होंने 8 ओवरों में 44 रन देकर 4 विकेट चटकाए और इस तरह वह टीम के सबसे सफल गेंदबाज बने। वहीं इसके बाद गुरबाज ने 119 रन और रहमत शाह 82 गेंदों पर 93 रन की पारी खेली। आपको बता दें कि श्रीलंका के गेंदबाज गुरबाज और रहमत शाह को आउट ही नहीं कर सके और इन दोनों के खिलाड़ियों ने खूब मैदान पर जोरे का रन खिलाया। मैच का हाल आपको बता दें कि इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद श्रीलंका की टीम ने कुशल मेंडिस के शतक के दम पर 294 रन बनाए। यह मैच बारिश के बाद ही रहा, जिस वजह से अफगानिस्तान के सामने जो लक्ष्य श्रीलंका ने सेट किया था वह कम करके 42 ओवर में 257 रन दिया गया। यह टारगेट अफगानिस्तान ने गुरबाज और रहमत शाह की पारी के आसानी से हासिल कर लिया और जीत प्राप्त कर लिया। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोग को ऐसे ही वर्ल्ड कप के बारे में ताज़ा ताज़ा खबर देते रहेंगे। अभी वार्म अप मैच चल रहा है, तो उसका हाईलाइट आप लोग के सामने मैं रखना चाहूँगा, जिसका यह है कि अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका वार्म अप मैच है। मुन्ना गुरबाज ने जरा तूफानी शतक, अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। और आगे बता दें, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच मंगलवार को 3 अक्टूबर को गुवाहाटी के वसवारा स्टेडियम में वर्ल्ड कप से पहले आखिरी वार्म अप मैच खेला गया था, जिसे अफगानिस्तान ने अपने स्टार बल्लेबाज गुरबाज 119 रहमत 97 की शानदार पारी के दम पर श्रीलंका को 6 विकेट से हरा कर जीत हासिल कर ली। कुशल मेंडिस के शतक पर भारी पड़ा गुरबाज का शतक। इस मैच में श्रीलंका के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस ने 87 गेंदों पर 19 चौके और 9 छक्के लगाकर विस्फोटक अंदाज में 158 रन बनाए थे। लेकिन मेंडिस के अलावा श्रीलंका का दूसरा कोई भी बल्लेबाज मैदान पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका और उसकी पूरी टीम महज 294 रनों पर सिमट गई। इसके बाद गुरबाज ने भी अपनी टीम के लिए 92 गेंदों में 8 चौके और 9 छक्के लगाकर 119 रन की पारी खेली। इसके दम पर अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया। इस तरह मेंडिस का शतक और गुरबाज का शतक भारी रहा। मेंडिस की मेहनत पर पूरी तरह पानी फिर गया। अफगानिस्तान टीम के जीत के हीरो रहे
अगर इस मोहम्मद नबी ने इस वार्म अप मैच में अपनी कमाल की गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका को बड़े बड़े झटके दिए। उन्होंने 8 ओवरों में 44 रन देकर 4 विकेट चटकाए और इस तरह वह टीम के सबसे सफल गेंदबाज बने। वहीं इसके बाद गुरबाज ने 119 रन और रहमत शाह 82 गेंदों पर 93 रन की पारी खेली। आपको बता दें कि श्रीलंका के गेंदबाज गुरबाज और रहमत शाह को आउट ही नहीं कर सके और इन दोनों के खिलाड़ियों ने खूब मैदान पर जोरे का रन खिलाया। मैच का हाल, आपको बता दें कि इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद श्रीलंका की टीम ने कुशल मेंडिस के शतक के दम पर 294 रन बनाए। यह मैच बारिश के बाद ही रहा, जिस वजह से अफगानिस्तान के सामने जो लक्ष्य श्रीलंका ने सेट किया था वह कम करके 42 ओवर में 257 रन दिया गया। यह टारगेट अफगानिस्तान ने गुरबाज और रहमत शाह की पारी के आसानी से हासिल कर लिया और जीत प्राप्त कर लिया। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग को ऐसे ही वर्ल्ड कप के बारे में ताज़ा ताज़ा खबर देते रहेंगे। अभी वार्म अप मैच चल रहा है तो उसका हाईलाइट आप लोग के सामने मैं रखना चाहूँगा, जिसका यह है कि अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका वार्म अप मैच है। मुन्ना गुरबाज ने जरा तूफानी शतक, अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। और आगे बता दें, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच मंगलवार को 3 अक्टूबर को गुवाहाटी के वसवारा स्टेडियम में वर्ल्ड कप से पहले आखिरी वार्म अप मैच खेला गया था, जिसे अफगानिस्तान ने अपने स्टार बल्लेबाज गुरबाज 119 रहमत 93 की शानदार पारी के दम पर श्रीलंका को 6 विकेट से हरा कर जीत हासिल कर ली। कुशल मेंडिस के शतक पर भारी पड़ा गुरबाज का शतक। इस मैच में श्रीलंका के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस ने 87 गेंदों पर 19 चौके और 9 छक्के लगाकर विस्फोटक अंदाज में 158 रन बनाए थे, लेकिन मेंडिस के अलावा श्रीलंका का दूसरा कोई भी बल्लेबाज मैदान पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका और उसकी पूरी टीम महज 294 रनों पर सिमट गई। इसके बाद गुरबाज ने भी अपनी टीम के लिए 92 गेंदों में 8 चौके और 9 छक्के लगाकर 119 रन की पारी खेली। इसके दम पर अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया। इस तरह मेंडिस का शतक और गुरबाज का शतक भारी रहा। मेंडिस की मेहनत पर पूरी तरह पानी फिर गया। अफगानिस्तान टीम के जीत के हीरो रहे मोहम्मद नबी ने इस वार्म अप मैच में अपनी कमाल की गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका को बड़े बड़े झटके दिए। उन्होंने 8 ओवरों में 44 रन देकर 4 विकेट चटकाए और इस तरह वह टीम